8 मई 2024 को HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस ने अनाउंस किया कि वो माई हेल्थ सुरक्षा प्लान के 3 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। कौन कौन से 3 वेरिएंट्स हैं ये? माई हेल्थ सुरक्षा सिल्वर, गोल्ड और माई हेल्थ सुरक्षा प्लेटिनम वेरिएंट। यानी अब आप ना तो इन तीनों में से कोई भी प्लान फ्रेश पॉलिसी के तौर पर खरीद पाएंगे, और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी वेरिएंट है तो अब आप उसे रिन्यू भी नहीं करवा पाएंगे। सिर्फ एक वेरिएंट है जो अनचेंज है, एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, वो है माई हेल्थ कोटि सुरक्षा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो एज इट इज रिन्यू होता रहेगा, लेकिन इन तीनों ही वेरिएंट्स को बंद कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपका रिन्यूअल 7 अगस्त या उसके बाद इन पॉलिसीज का है तो आपको 45 दिन पहले अपनी पॉलिसी को माइग्रेट करना होगा, और कंपनी ने जो प्लान रिकमेंड किया है वो है HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान। लेकिन ये माइग्रेशन कितना सही है, यानी जिस प्लान के अंदर हम माइग्रेट करेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कवरेजेस हैं जो हमें मिलने वाली हैं, उसके क्या फायदे और नुकसान हैं, वो तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ही। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि पॉलिसी होल्डर्स को किस बात की चिंता करनी चाहिए और चिंता करने से कुछ नहीं होगा उसका समाधान क्या है, कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस है तो उस क्यूमुलेटिव बोनस का क्या होगा, यानी आपने पिछले कई सालों में क्लेम नहीं लिया है और आपने क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा किया है तो अब माइग्रेट करने पर उस क्यूमुलेटिव बोनस का क्या होगा, प्राइसेस में कितना चेंज आएगा। अगर आप ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान लेते हैं तो मैं आपको ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के प्राइसेस भी रिवील करने वाला हूं, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि जो आपके माई हेल्थ सुरक्षा का वेरिएंट था उसका प्राइस और ऑप्टिमा रिस्टोर के प्राइस में कितना डिफरेंस है, ताकि आप अफोर्डेबिलिटी को चेक कर पाएं। और इसके अलावा कंपनी ने इन प्लान्स को बंद क्यों किया है, क्या HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ एज ए कंपनी, एज ए इंश्योरेंस कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्ड वे में इस डिसीजन को, इस अनाउंसमेंट को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आपको अगला स्टेप अब क्या लेना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप अभी कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं कंपनी के इस अनाउंसमेंट के बाद, तो आपके माइंड में मैं ये क्लैरिटी ला सकूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने डिसीजन को स्मार्ट बनाना है और इस प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को निकाल लेना है। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अब एज ए पॉलिसी होल्डर हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना है, अगला फैसला क्या लेना है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि 7 अगस्त या उसके बाद अगर आपका रिन्यूअल है तो 45 दिन पहले आपको पॉलिसी माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। पॉलिसी अगर आप माइग्रेट करते हैं HDFC अर्गो का कोई भी प्लान लेते हैं तो आपका क्यूमुलेटिव बोनस, यानी जो पास में आपने बोनस अर्न किया है क्लेम ना लेने के बदले, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके जो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं, वेटिंग पीरियड भी एज इट इज रहेंगे, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको HDFC अर्गो से पहले कोई सर्विस में दिक्कत हुई है या आप सेम कंपनी में नहीं रहना चाहते तो क्या आप पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी में भी अपने इस प्लान को पोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट करने पर आपको सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा, वो है कंटिन्यूटी बेनिफिट्स, यानी आपकी जो एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड थे, जितने सालों से आपकी पॉलिसी चल रही थी, वो वेव हो जाएंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव बोनस पोर्ट करने के केस में आपको नहीं मिलेगा। ये नुकसान आपको यहां हो सकता है। अब क्योंकि हमें माइग्रेशन की साइड जाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कह रही है और जो प्लान वो रिकमेंड कर रही है वो है HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या कवरेजेस हैं, वेटिंग पीरियड क्या है, कितने रुपए में ये पॉलिसी मिलेगी, एक बार वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ वे में आपको बता देता हूं, ताकि जिस प्लान के अंदर आप जाना चाह रहे हैं उसकी एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए। HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर आप एक फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी दोनों ले सकते हैं। मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स की लिमिट है 4 एडल्ट और 6 बच्चों की। एडल्ट्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स और 91 दिन के बाद कोई भी डिपेंडेंट बच्चा इस पॉलिसी के अंदर आ सकता है। 65 ईयर्स के बाद भी लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यू करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, कितने रुपए का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर। ये ऑप्शंस काफी सिंपल हैं, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए का है, तो इनमें से जो भी सम इंश्योर्ड आपको एनएफ लगे, आपको काफी लगे, वो आप चूज कर सकते हैं। अब कवरेज की बात करें तो सबसे जरूरी पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का, यानी इसमें कोई रूम रेंट की कैपिंग है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का रूम आप ले पाएंगे या एक फिक्स अमाउंट मिलेगा रूम रेंट के अगेंस्ट? रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बचा हुआ है तो रूम रेंट की कैपिंग कहीं भी आपके इलाज में बाधा क्रिएट नहीं करेगी। अब दोस्तों बारी आ जाती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी एडमिट होने से कितने दिन पहले के खर्चे, 60 दिन एडमिट होने से पहले के खर्चे और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान कवर करेगा, बशर्ते आपका जो ट्रीटमेंट का क्लेम है जिसके लिए पेशेंट एडमिट
एडमिट हुए थे वो अगर क्लेम अप्रूव है तभी ये वाले खर्चे भी कवर किए जाएंगे। इनके अंदर दवाइयां, डॉक्टर को दिखाना और उसके साथ साथ टेस्ट के खर्चे भी शामिल हैं। आपको ही इन खर्चों को रिइंबर्समेंट तौर पर क्लेम करना होगा यानी इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट, सभी डे केयर ट्रीटमेंट इस प्लान के अंदर कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट वो इलाज होते हैं जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं होता है, उससे कम टाइम के इलाज में भी सेम डे जब पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है तो इस तरह के जो लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट है वो ये प्लान कवर करेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर ही इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, अगर पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है कि वो हॉस्पिटल नहीं ले जाए जा सकते या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है, बशर्ते ये इलाज 3 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर ले सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी खर्चा ये प्लान कवर करेगा, इसमें कोई भी लिमिट या कैपिंग नहीं है। अगर आपके इस ऑर्गन के ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा भी अप्रूव किया जाएगा। अगर इंश्योर्ड पर्सन अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, एज ए डोनर वो जाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी वो खर्चा कवर नहीं करेगी। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन यानी रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में इलाज करवाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ बेनिफिट पास ऑन करेगी। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक है तो 800 रुपए पर डे मैक्सिमम 4800 रुपए तक आप शेयर्ड अकोमोडेशन के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख 25 लाख और 50 लाख रुपए है तो 1000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन डे और मैक्सिमम 6000 रुपए तक आप इस तरह का खर्चा क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों रोड एम्बुलेंस। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और ट्रीटमेंट के दौरान एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो 2000 रुपए एंबुलेंस का खर्चा क्लेम किया जा सकता है पर हॉस्पिटलाइजेशन, बशर्ते जिस ट्रीटमेंट के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल हुआ अगर कंपनी ने उसका क्लेम अप्रूव किया है तभी ये वाला खर्चा भी आप क्लेम कर पाएंगे। अब बारी आती है एयर एंबुलेंस की। तो अगर आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए है तो एयर एंबुलेंस की सुविधा इसमें क्लेम नहीं की जा सकती, इसमें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपका सम इंश्योर्ड है तो 2.5 लाख रुपए तक का एयर एंबुलेंस का कवरेज किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्लेम किया जा सकता है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर। अब बारी आती है ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके लिए आप एचडीएफसी अर्गो के एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स से सलाह लेना चाहते हैं, ईमेल द्वारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो अपने डायग्नोसिस के डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल पर भेजकर उनसे उनका ओपिनियन ले सकते हैं ताकि आपको इलाज का एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी मिल सके, यानी आपको इस बात की क्लैरिटी मिल सके कि डायग्नोसिस के बाद आपको कौन सा इलाज कंटिन्यू करना चाहिए। साल में एक बार ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस की सुविधा आप ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है दोस्तों रिस्टोर बेनिफिट। रिस्टोर बेनिफिट इस प्लान के नाम के साथ में रिस्टोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो वो इस बेनिफिट की वजह से ही है। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या कहता है, जब आपके पूरे साल के अंदर आपका सम इंश्योर्ड, आपका कोई भी एडिशनल क्यूमुलेटिव बोनस खत्म हो जाता है तो उसके बाद सम इंश्योर्ड के बराबर एक बार आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन क्या है, साल में ये एक ही बार मिलेगा। दूसरी कंडीशन है कि पहले क्लेम के लिए आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी पहले क्लेम पर ये ट्रिगर होगा, सेकंड क्लेम पर आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत बार ये भी सवाल आता है कि ये पार्शियल यूटिलाइजेशन या कंप्लीट यूटिलाइजेशन किस टाइम पर हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो दोनों ही सिचुएशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड कम पड़ गया है, पार्शियली आपने इस्तेमाल कर लिया है और इलाज में वो पैसा कम पड़ रहा है तो भी रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पूरा सम इंश्योर्ड खत्म होने पर ही एक्टिव होगा, लेकिन साल में एक बार सेकंड क्लेम पर आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों मल्टीप्लायर बेनिफिट। अब कंपनी ने नाम रखा है मल्टीप्लायर बेनिफिट, यानी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, कुछ बढ़ रहा है, वो क्या है, क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आप पूरे साल में कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो अगले रिन्यूअल पर आपका सम इंश्योर्ड 50% बढ़ जाएगा। ये मैक्सिमम सम इंश्योर्ड का 100% तक बढ़ेगा, यानी 2 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा क्योंकि यहां आपको मिल रहा है मल्टीप्लायर बेनिफिट। अब मान लो सम इंश्योर्ड डबल तो हो गया, आगे कोई छोटा मोटा क्लेम आ गया, आपने क्लेम फाइल कर दिया, तो ये कितना कम होगा, जितना परसेंटेज ये बढ़ा है हर क्लेम फ्री ईयर पे, हर क्लेम के साथ ये उतना परसेंट ही कम होगा, यानी अगर आपका क्लेम आ जाता है तो ये 50% के हिसाब से कम भी हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी हर इंश्योरेंस कंपनी साल के खत्म होने पर कुछ टेस्ट करवाने की अनुमति आपको देती है, तो इस प्लान के अंदर कितने रुपए के टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक, और अगर आपका एक फैमिली फ्लोटर प्लान है तो 2500 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक के टेस्ट आप करवा सकते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन है, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है तो ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है या फैमिली फ्लोटर अमाउंट है, ये हर 2 क्लेम फ्री ईयर के ब्लॉक के बाद आपको मिलेगा। आज मैंने पॉलिसी खरीदी और लगातार 2 साल कोई क्लेम नहीं लिया और मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख या 3 लाख रुपए है, तो 2 साल लगातार क्लेम फ्री रहने के बाद
बाद मैं इतने रुपए के टेस्ट करवा सकता हूं, लेकिन 5 लाख के अलावा 5 लाख के ऊपर जो भी सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है वहां इतने रुपए के टेस्ट आप हर साल के एंड में रिन्यूअल के टाइम करवा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट की। मॉडर्न ट्रीटमेंट का एचडीएफसी अर्गो प्लान से रिलेटेड बहुत बार क्वेरी आती है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं। लेकिन इस प्लान के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने खुद अपने ब्रोशर के अंदर यह मेंशन किया है कि सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। अगर आपका ये जेन्युइन क्लेम है, अगर एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, ये कोई भी प्लास्टिक सर्जरी या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, और एक जेन्युइन इंजरी या इलनेस के लिए आप मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को ये प्लान कवर करेगा। अब दोस्तों बारी आ जाती है कुछ एडोन्स की जो इस प्लान के साथ आप ले सकते हैं, जो अगर कुछ कमियां इस प्लान के अंदर हैं तो वो इन एडोन्स के जरिए आप पूरी कर सकते हैं। सबसे पहला एडोन है दोस्तों अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अब जैसा कि मैंने बताया था रिस्टोरेशन बेनिफिट साल में एक बार ही आपको मिलेगा। अगर आपने अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एडोन ले लिया तो ये एक बार के लिमिट हट जाएगी, पूरे साल में जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा फॉर अनलिमिटेड टाइम्स, ताकि आपको कभी भी सम इंश्योर्ड कम ना पड़े। लेकिन आपको ये लेना होगा एज ए एडोन, यानी एक्स्ट्रा पैसे आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा इसके साथ पे करने होंगे। दूसरा एडोन है दोस्तों प्रोटेक्टर राइडर। प्रोटेक्टर राइडर टोटल 3 बेनिफिट्स आपको देता है। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों क्लेम प्रोटेक्टर, यानी जो भी आपके इलाज के दौरान नॉन मेडिकल या कंज्यूमेबल आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका क्लेम एक्सटेंडेड पॉलिसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा कट जाएगा। अगर आपने प्रोटेक्टर राइडर लिया है तो उसके बाद ये नॉन मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम्स का भी क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लेकिन अगर आपने ये एज ए एड ऑन लिया है तो। दूसरा दोस्तों इसका बेनिफिट है मल्टीप्लायर बेनिफिट प्रोटेक्टर। हमने क्या डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर बेनिफिट में अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल 50% का सम इंश्योर्ड आपका बढ़ जाता है। कई बार छोटे मोटे माइनर क्लेम्स भी आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका मल्टीप्लायर बेनिफिट खत्म हो सकता है। अगर आपने प्रोटेक्टर राइडर लिया है तो आपका मल्टीप्लायर बेनिफिट भी बचा रह सकता है अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 रुपए तक है तो। यानी 50,000 रुपए तक का कोई भी क्लेम आ जाता है और आपने प्रोटेक्टर राइडर लिया है तो उसका कोई भी असर आपके मल्टीप्लायर बेनिफिट पर नहीं होगा, यानी वो एज इट इज रहेगा, वो कम नहीं होगा। और तीसरा बेनिफिट है दोस्तों इस राइडर का सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी महंगाई दर के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड, यानी कोई भी एक्स्ट्रा पैसे इस बढ़े हुए सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको पे नहीं करने हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, जिस रफ्तार से बढ़ता है, जिस दर से बढ़ता है, जिस रेट से बढ़ता है, उसी रेट से आपका सम इंश्योर्ड भी एनहेंस होता रहेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ मनी ऑन योर पॉकेट। कंपनी 2 खास बातें इस प्लान के बारे में कहती है, यानी HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर सबसे पहला तो कोई भी जोन बेस्ड ज्योग्राफिकल कोपेमेंट नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से ये पॉलिसी खरीदिए और पूरे इंडिया में कहीं भी इलाज कराइए, कोई भी कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा बेनिफिट क्या है इस प्लान का, कोई भी क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं है। बहुत सारे प्लान्स में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल क्लेम्स आ जाते हैं तो क्लेम बेस्ड लोडिंग यानी डिस्काउंट का अपोजिट आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी क्लेम बेस्ड लोडिंग ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लान के वेटिंग पीरियड की, यानी कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्टिमा रिस्टोर कितने टाइम के बाद कवर करेगा। सबसे पहले 30 डेज का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है जो हर प्लान में होता है, यानी पहले 30 दिन के अंदर जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते इस प्लान के अंदर भी। 24 महीने का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जो स्लो ग्रोइंग इलनेस अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनके लिए 24 महीने आपको वेट करना होगा, उसके बाद आप ट्रीटमेंट ये वाली ले सकते हैं। 36 महीने का वेटिंग पीरियड है PED के लिए, यानी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पॉलिसी लेते टाइम आप जो डिक्लेयर करते हैं और कोई आपको मेडिकल कंडीशन है एग्जिस्टिंग, वो पॉलिसी लेने के 36 महीने के बाद ये प्लान कवर करेगा। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को, कवरेजेस को, वेटिंग पीरियड को आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ताकि जब आप अपना नेक्स्ट डिसीजन लें अपने प्लान को माइग्रेट करने का तो आप ये जान पाएं कि आपके आने वाले इस नए प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि कंपनी ये प्लान रिकमेंड कर रही है तो हमें समझना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बारी आ जाती है फाइनली प्राइस की। अब आप जो माई हेल्थ सुरक्षा के अलग अलग वेरिएंट्स के लिए जो प्रीमियम पे कर रहे थे, आप उसको एक बार देख लीजिए, उसको एक बार निकाल लीजिए, वो डिटेल्स एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर के प्रीमियम बताने वाला हूं, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें, आपके सामने ये बात निकल के आ सके कि आपका नए वाला प्लान कितना महंगा आपको पड़ेगा
प्रीमियम वाइज। तो यहां पर जो मैंने फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज 38, सीनियर एडल्ट की एज 38 है, और जो सेकंड एडल्ट है उनकी वाइफ है उनकी एज 35 ईयर्स है, और ये 2 बच्चे हैं डिपेंडेंट चाइल्ड हैं इस पॉलिसी के अंदर। 2 सम इंश्योर्ड का प्रीमियम हम चेक कर लेते हैं। पहला है 10 लाख रुपए का। अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी दिल्ली के एड्रेस पर इस फैमिली साइज के लिए लेते हैं तो आपको पूरे साल के लिए 23,211 रुपए पे करने होंगे फॉर HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर। इस प्राइस के अंदर कोई भी एड ऑन शामिल नहीं है। अगर आप कोई भी एड ऑन चूज करते हैं उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर आप कवरेज लेते हैं 20 लाख रुपए की तो 27,912 रुपए आपको सालाना पे करने होंगे। अब इन दोनों ही सम इंश्योर्ड से आपको एक एस्टिमेट, एक आइडिया लग जाएगा कि कितने रुपए आपको सालाना इस पॉलिसी के लिए पे करने होंगे और ये कितना ज्यादा है आपके एग्जिस्टिंग माई हेल्थ सुरक्षा के वेरियंट से। अब दोस्तों यहां पर जो HDFC अर्गो ने प्लान हमें रिकमेंड किया है HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर, उसके मेन कवरेज और बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वेटिंग पीरियड भी हमने समझ लिया और प्राइसिंग भी हमने देख ली है, लेकिन अब हमें फाइनली फैसला क्या लेना है, क्या हम पॉलिसी माइग्रेशन के साथ जाएं या हम पॉलिसी पोर्ट करें। इसके लिए आप एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट कीजिए। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस HDFC अर्गो के साथ अच्छा रहा है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है, आप कंपनी के कस्टमर सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, आप पॉलिसी के प्रीमियम से सेटिस्फाइड हैं, आप प्लान्स की कवरेज से सेटिस्फाइड हैं, ओवरऑल आप इंश्योरर से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, तो आपको पॉलिसी माइग्रेट करनी चाहिए। और अगर आप कवरेज से भी सेटिस्फाइड हैं, जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताए हैं, तो आप पॉलिसी माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको दोनों बेनिफिट्स फिर मिलेंगे। कंटिन्यूटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, यानी आपके वेटिंग पीरियड भी सारे वेव हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका क्यूमुलेटिव बोनस भी बना रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस से संतुष्ट नहीं है, सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, क्लेम सेटलमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप प्लान को पोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डिसीजन तो आपको लेना ही होगा जो आपके फ्यूचर कवरेज और फ्यूचर बेनिफिट्स के ऊपर असर डालने वाला है। तो यहीं पर आपको समझना होगा कि माइग्रेशन के साथ जाएं या फिर पॉलिसी को पोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले सालों में आपका यह डिसीजन आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो। अब दोस्तों फाइनली सवाल यह आता है कि कंपनी ने इन प्लान्स को बंद क्यों किया है, क्या इनमें काफी ज्यादा फेक क्लेम्स आ गए थे, कवरेज ठीक नहीं थी, फीचर्स कम थे या प्रीमियम काफी कम था, कंपनी ने इन प्लान्स को बंद क्यों किया है। देखिए ऐसी कोई लीगल स्टेटमेंट तो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने जारी नहीं की है जहां उन्होंने इन प्लान्स को डिसकंटिन्यू करने का सही रीजन बताया हो, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कवरेज को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, यानी ये प्रोडक्ट्स और कवरेज जो है ये बाकी तरह की उनकी सर्विसेज से थोड़े से अलग थे कवरेज वाइज और फीचर्स वाइज, तो कंपनी ने इन प्लान्स को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है, ताकि सभी जो उनके प्लान्स हैं उनका काम करने का तरीका, कवरेज देने का तरीका, सभी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, उनकी जो क्लेम सेटलमेंट की या फिर कोई भी जो ऑपरेशनल काम है उनको करने की एफिशिएंसी है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि अगर एक तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है, काफी अलग अलग वैरायटी की कवरेजेस हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको संभालने में उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। तो इसलिए HDFC अर्गो ने ये स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट के तहत डिसीजन लिया हो कि वो इस प्लान के इन 3 वेरियंट्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब एक और सवाल आता है कि HDFC अर्गो एज ए कंपनी, एज ए इंश्योरर कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, IRDA है, उनकी तरफ से गाइडलाइंस आती या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इंटरवेंशन इसमें जरूर होता। लेकिन ये जो भी प्लान डिसकंटिन्यू किए गए हैं, ये सब जो IRDA गाइडलाइंस है उसके तहत उनको फॉलो करते हुए किए गए हैं, और एज ए इंश्योरर, एज ए ब्रांड HDFC अर्गो में कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीजें एज इट इज हैं जैसे पहले थी, सिर्फ इन प्लान्स को डिसकंटिन्यू किया गया है एज ए स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट डिसीजन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन 3 वेरिएंट्स में से किसी भी पॉलिसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो इस वीडियो ने आपके माइंड में क्लैरिटी जरूर क्रिएट की होगी कि आप अगला स्टेप क्या लेंगे, आपको अगला फैसला क्या लेना चाहिए, क्या जो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान लेने का रिकमेंडेशन HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस का वो कितना सही होगा, क्या वो आपकी मेडिकल नीड्स को कवर करेगा, क्या उसके प्राइसेस इतने वायबल हैं, आपके लिए अफोर्डेबल हैं या नहीं। इस वीडियो में मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है मेरी ये कोशिश कामयाब हुई है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा परिवार जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, और जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतनी ज्यादा दूर तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी और उतना ही ज्यादा इंश्योरेंस अवेयरनेस की तरफ हम बढ़ पाएंगे, जो कि हमारा इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के जरिए मिशन है। तो दोस्तों मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।